हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने आप लोगों के लिए दो इंट्राडे के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स लेके आए हैं जो कल के लिए आपको बहुत अच्छे टारगेट्स दे सकते हैं। इसमें मैंने आपके लिए पहला आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक लेकर आया है। इसमें 30 मिनट्स का चार्ट लगा पड़ा हुआ है। इसमें पहले मैं आप लोग को डे टाइम फ्रेम पे बताना चाहूंगा कुछ। यहाँ पर देखिए, ये जो स्टॉक है अभी काफी हाई लगा कर आया हुआ है, 942। और इसमें मैं आप लोग को ये बताना चाहता था, ये बहुत ही 901 का एक बहुत ही अच्छा इनका एक सपोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसके ऊपर 30 मिनट्स के चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप देख सकते हैं इसके अंदर, अगर ये कल को अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है, जो कई की मल्टीपल टाइम इसने टेस्ट किया हुआ है, जो ये अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें फर्स्ट टारगेट्स आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं 80। इसमें 890 के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, एंड सेकेंड टारगेट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं 880 तक के। और अगर फ्रेंड्स यही स्टॉक अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करके चलता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो फ्रेंड्स अगर ये आप लोग यहाँ पर इस तरह से ब्रेकआउट देकर मिलता है, तो यहाँ रिटेस्ट करके ये फ्रेंड्स कल ही के दिन इसमें 933 के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। इवन दो ये जो हाई लगा हुआ है प्रीवियस 942, वहां तक के भी टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर कोई इसमें ट्रेलिंग एसएल करना चाहता है तो वो स्टॉक जब भी अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है और ये इस लाइन 920 के ऊपर आता है, तो वो यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेगा और फिर बाद में 933 की तरफ बढ़ेगा। तो अगर कोई 933 तक का भी टारगेट पे पहुंचता है तो वो ट्रेलिंग एसएल के लिए 920 का ट्रेलिंग एसएल यूज कर सकता है, जो 942 तक के बढ़ने के लिए वेट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने आप लोगों के लिए सेकंड स्टॉक जो है वो पीवीआर है। पीवीआर का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। इस ट्रेंड लाइन में यहाँ पर आज इस स्टॉक ने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, याद रखना, अगर कोई कोई भी स्टॉक अगर ब्रेक डाउन देता है और अगर नीचे की तरफ बढ़ता है, फॉल होता है, तो बहुत तेजी से होता है। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर अगर कल को यहाँ पर ये थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा इसके अंदर ऊपर जाएगा, ये ट्रेंड लाइन के पास फिर से वापस आ सकता है। 15 मिनट्स के यहाँ पर मतलब रिटेस्ट करेगा और फिर बाद में नीचे फॉल होने के चांसेस है। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर अगर कल के दिन मैं आपको टारगेट्स बताना चाहता हूँ, ये स्टॉक हो सकता है प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फिर से आए और ये इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। सो फ्रेंड्स, कल के लिए हमारे टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट हमारा यहाँ पर रहेगा 1752। उसके बाद में कल ही के लिए 1735 तक के भी मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर कोई ऑप्शंस के अंदर या फ्यूचर के अंदर कर रहा है और फ्यूचर के अंदर सेल कर सकता है, वो यहाँ पर इसको पीवीआर को और उनका एसएल रहेगा 1771.95, दैट इज 1772 का एसएल रहेगा, जिसके अंदर वो सेल साइड में बैठ सकते हैं और पुट सेल पुट बाय करके या फिर फ्यूचर को सेल करके भी वो या लॉन्ग टर्म के टारगेट्स के लिए भी वेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।